हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो ये जो लेक्चर होगा, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और पहले अपन 11th वाले स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जाएंगे, उसके बाद 12th वाले स्टूडेंट, 12th वाले जो चैप्टर्स होंगे वो कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं 11th वाले चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा, तो इसके बाद अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इस चैप्टर को रैप अप कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर है इसका, तो कुछ क्वेश्चंस और एक सिग्नम फंक्शन, आई थिंक वो छूट गया था बीच में, तो सिग्नम फंक्शन को अपन कंप्लीट करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। सो वी नो द रिलेशन बिटवीन एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना। कोई भी नंबर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के सम के फॉर्म में ही होता है। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट की मैं अगर वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो विच इज़ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो वाई इक्वस टू, मैं यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड वी नो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है उसका आंसर हमेशा बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 ही होता है। ये हमेशा 0 से लेके 1 तक ही आंसर देता है। तो यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y प्लस वाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो यहाँ से जब आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, वो आपको पता चलेगी माइनस वाई अपॉन, ये कॉमन आया, विच इज़ वाई माइनस वन। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं बोल सकता हूँ, देखो इसका आंसर जो है हमेशा क्या रहता है, 0 से लेके 1 के बीच में। तो ये जो वाई की वैल्यू है यहाँ पे वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये भी इसी के इक्वल है। तो दिस वैल्यू शुड ऑल्सो लेस देन वन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू भी हमेशा इसी फॉर्म में होनी चाहिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन आ जाता है ना, ये थोड़ा सा, ये जो इनइक्वालिटी है, देखो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे किस स्टेप्स में सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी को प्रॉब्लम होती है। या तो आप इन दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करो, ये वाला पार्ट आप अलग सॉल्व करो और ये वाला पार्ट आप अलग सॉल्व करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे वेव कर्व मेथड यूज़ करके दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लोगे। एक तो तरीका ये है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने पूरी इक्वेशन में वाई ऐड कर दिया। पूरी इक्वेशन में अगर आप 1 ऐड कर दोगे, सॉरी y नहीं, 1 ऐड करना है आपको, तो इट इज़ y अपॉन 1 माइनस y प्लस 1 इज लेस देन 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस 1। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे देखो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी ओनली 1 अपॉन 1 माइनस y इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 1। उल्टा कर दोगे इसको तो 1 माइनस y इज लेस देन 1 अपॉन, अब ये जो है रेसिप्रोकल करते ही साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सीधा 1 माइनस y इज ग्रेटर देन, वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस y की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन थी, ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 हो जाएगी, और लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 विच इज 1। पूरी इक्वेशन में माइनस 1 कर दिया, तो माइनस y की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 1 करने पे यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2 रिमेनिंग रहेगा, और यहाँ पे माइनस 1 करने पे 0 हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, y इज लेस देन 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो द रेंज फॉर दिस फंक्शन इज y बिलोंग्स टू 0 to 1 अपॉन 2। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, और इसका एक तरीके से और आप सॉल्व कर सकते हो। देखो अपन यहाँ तक तो पहुँच ही गए थे, मैंने y की वैल्यू ये फाइंड आउट कर ली थी, ठीक है। वो क्या आया था अपने पास, y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन हो ना, मतलब जिसकी रेंज जो है वो बाउंडेड है और आपको पता है उसका आंसर क्या आने वाला है, जैसे साइन एक्स का जो आंसर है -1 से लेके 1 तक होता है, सेम फॉर कॉस एक्स का जो आउटपुट होता है वो भी यही होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो बात होती है वो भी 0 से लेके 1 के बीच में ही होती है ना। जो ऐसे फंक्शन है जिनकी रेंज आपको पता है ना, किसी इंटरवल के बीच में ही है, तो उस फंक्शन का अगर एल्जेब्रिक फॉर्म, लीनियर फॉर्म ऐसा कुछ दिया हुआ हो, तो उसको आप सीधे सॉल्व करने के लिए उसकी मैक्सिमम पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट कर लो, मिनिमम पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी उसकी जब रेंज निकाली थी उसमें भी ये मेथड यूज़ किया था, साइन एक्स की जगह एक बार सीधा 1 पुट करके आंसर निकाला था, और साइन एक्स की जगह एक बार सीधा -1 पुट करके आंसर निकाला था, और कॉस एक्स में भी अपन ने ऐसा किया था।
इस सीरीज़ वाले लेक्चर्स में मैंने कहीं पे वो यूज़ किया है, और तो मैं भी यहाँ पे भी मैं वैसा कर सकता हूँ। तो वाई मिनिमम या फिर वाई मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, जब मैं एक्स इक्व यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो ले लेता हूँ, तो इट इज़ ज़ीरो ज़ीरो अपॉन वन प्लस ज़ीरो विच इज़ ज़ीरो। ना वाई मैक्सिमम, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने वन ले ली है, विच इज़ वन अपॉन वन प्लस वन विच इज़ वन अपॉन टू। तो यहाँ से मैं सीधा ही वाई बिलोंग्स टू, ज़ीरो इंक्लूड होगा और ये इंक्लूड नहीं होगा, सीधा मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। तो ये भी एक मेथड है, ये भी आप ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन आ गया वाई इक्व टू टू साइन एक्स माइनस थ्री, इसका आपको बताना है टू साइन एक्स माइनस थ्री, इसका आपको रेंज बताना है। तो मैं सीधा इसकी रेंज, एक बार साइन एक्स की जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया वन, और एक बार साइन एक्स की जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया माइनस वन। तो माइनस वन सब्सटीट्यूट करने पे माइनस टू माइनस थ्री हो जाएगा, और वन सब्सटीट्यूट करने पे प्लस टू और माइनस थ्री विच इज़ टू माइनस थ्री। तो इसका जो सीधी रेंज होगी ना, मैं लिख सकता हूँ माइनस फाइव टू माइनस वन होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए थे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ध्यान रखना, ये काफ़ी आपका टाइम सेव करेगा, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन की देखो आपने थोड़ा सा टाइम लगा है अपन को इसको सॉल्व करने के, और अगर आप इसको अलग अलग सेपरेट सॉल्व करते तो उसमें भी टाइम लगता। तो ये जो मेथड है ये अच्छा है, और आपको ये ध्यान रखना है किस स्टेप से सॉल्व हुआ। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इक्व टू वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका जो है रेंज बताना है आपको, रेंज क्या होगा। सॉरी, यस, रेंज ही बताना है क्या होगा। तो देखो वाई इक्व टू वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अब जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन होता है, माइनस वन से लेके वन के बीच में होती है, तो कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो बिलोंग्स टू, वो तो नेगेटिव में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जीरो टू वन होगा, मतलब ये आंसर जीरो देगा और ये आंसर वन देगा। अब देखो मेरे को पता चल गया ना कि जो कॉस स्क्वायर एक्स है या फिर जो कॉस एक्स है वो बाउंडेड है, और उसका आंसर इस इंटरवल के फॉर्म में ही रहेगा, इसी बीच में रहेगा। तो मैं सीधा वाई मिनिमम लिखा निकालूंगा, और वाई मिनिमम में वन प्लस कॉस की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, जीरो, जीरो का स्क्वायर या फिर सीधी जो वैल्यू है जीरो, तो विच इज़ वन। और जो वाई मैक्सिमम है वो मैं सीधा फाइंड आउट कर सकता हूँ, विच इज़ वन प्लस वन विच इज़ टू। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वाई बिलोंग्स टू वन टू टू, दोनों क्लोज होंगे, दोनों आंसर पॉसिबल है। ठीक है, फिर से अगेन अ क्वेश्चन विच इज़ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज पूछिए आपसे क्या होगा। अब देखो ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी टाइम यूज होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अब अगर ये पॉजिटिव है तो आई नो दैट वन प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, मतलब जो डिनोमिनेटर है इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। अब अगर किसी फंक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा है ना न्यूमरेटर से, किसी भी फ्रैक्शन में, तो उसका आंसर वन से एक्सीड कभी नहीं करता है। तो यहाँ पे y की जो रेंज है ना, y बिलोंग्स टू, मैं सीधा लिख सकता हूँ जब x इक्वल्स टू जीरो हुआ, यहाँ पे जब x की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो अपॉन वन प्लस जीरो पे जीरो हो जाएगा, जीरो आंसर में आ सकता है। उसके अलावा आप x की वैल्यू पॉजिटिव इनपुट करो या नेगेटिव इनपुट करो, हमेशा पॉजिटिव ही इनपुट होगा, और यहाँ पे न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ आंसर वन भी कभी नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों वैल्यू भी कभी भी सेम नहीं होंगे, है ना। अगर आप x इक्व टू जीरो ले लोगे ना तो भी वन बड़ा है जीरो से, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल हो सकती है यहाँ पे, वन, और वन नहीं होगा कभी भी, तो जीरो से वन जो है अपना आंसर होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको सीधा ही ध्यान रखना है, व्हेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर सो अवर आंसर इज ऑलवेज क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू ओपन इंटरवल वन। पर अगर आपको इसको किसी और फॉर्म में भी सॉल्व करना है, लाइक मैंने इसको सॉल्व किया, एक्स को सब्जेक्ट बना के भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने सॉल्व किया वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्व टू जीरो। नाउ इट इज़ अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर मैं सीधे ही एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ ना यहाँ से। यस, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, विच इज़ वाई माइनस वन इक्वस टू माइनस वाई, तो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट कर फाइंड आउट कर सकता हूँ, विच इज़ प्लस माइनस रूट ओवर, ये इधर जाएगा, मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है, तो विच इज़ वाई अपॉन वन माइनस वाई। ठीक है, ये हुआ। अब इसका डोमेन फाइंड आउट करना है आपको, है ना, ये तो चाहिए ना एक्स की वैल्यूज के लिए, तो मेरे को पता है y अपॉन वन माइनस वाई क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ ना, तो देखो ये वाला फैक्टर देगा जीरो वैल्यू, ये वाला फैक्टर वैल्यू देगा माइनस वन वैल्यू, ये वन हुआ, और प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे अपन को जो y का कोफिशियंट है उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स y अपॉन y माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये वाला आंसर ही यहाँ पे करेक्ट है। अगेन अ क्वेश्चन, y इक्वल टू थ्री साइन रूट ओवर पाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर, रेंज आपको बतानी है इस फंक्शन की, व्हाट इज द रेंज फॉर दिस फंक्शन एंड डोमेन। रेंज एंड डोमेन दोनों के बारे में आपको बताना है, व्हाट इज द रेंज एंड डोमेन फॉर दिस फंक्शन। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले तो डोमेन अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डोमेन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो साइन का इनपुट है ये पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन्स रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है, तो पाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इट इज एक्स प्लस पाई अपॉन फोर एंड एक्स माइनस पाई अपॉन फोर इज लेस देन इक्वल टू जीरो, मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया है, तो दो वैल्यूज हो रही है, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव, माइनस पाई बाय फोर एंड दिस वन इज पाई बाय फोर, जब प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब नेगेटिव वाला आंसर करेक्ट होगा। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डोमेन माइनस पाई बाय फोर से लेके पाई बाय फोर। अभी देखो एक चीज पे ध्यान दो, मैं पाई बाय फोर सब्सटीट्यूट करूँ या फिर माइनस पाई बाय फोर सब्सटीट्यूट करूँ, दोनों पे जो है ये फंक्शन है जो साइन जीरो ही बनाएगा, वो मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे पाई बाय फोर सब्सटीट्यूट करूँ या माइनस पाई बाय फोर सब्सटीट्यूट करूँ, एक ही जैसा इनपुट हो रहा है वो हो जाएगा साइन जीरो, तो यहाँ पे वाई जो मिनिमम होगा एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय फोर या फिर माइनस पाई बाय फोर पे होगा ना, मैं इन दोनों पॉइंट्स अगर मेरे को मिल गए हैं तो मैं वहीं से रेंज फाइंड आउट कर सकता हूँ फॉर दिस फंक्शन, विच इज़ थ्री साइन जीरो, में सीधा लिख रहा हूँ विच इज़ ज़ीरो। y मैक्सिमम कब होगा, y मैक्सिमम होगा जब ये वाला टर्म जीरो हो जाए, मतलब थ्री, अब देखो ये जीरो हो गया तो यहाँ पे थ्री साइन रूट के अंदर पाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन बचेगा, मैं एक बार लिख देता हूँ पाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन माइनस जीरो पे, सो विच इज थ्री साइन पाई बाय फोर, दैट मीन्स थ्री अपॉन रूट टू इज अवर मैक्सिमम वैल्यू। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ये IIT में पूछा गया था क्वेश्चन, सिंपल सा है, जो रेंज होगी इस फंक्शन की वो आप सीधे बोल सकते हो, रेंज फॉर दिस इज जीरो टू थ्री अपॉन रूट टू। ठीक है, थ्री अपॉन रूट टू पॉसिबल है तो क्लोज इंटरवल यूज करेंगे अपन, और जीरो भी पॉसिबल है तो दोनों के लिए अपन ने यहाँ पे यूज किया क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये पाई बाय फोर पे होगा और ये एट एक्स इक्वल टू जीरो पे होगा, है ना। ये क्वेश्चन आप सीधे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कर सकते हो, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नाउ और लास्ट फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन, तो एक बार सिग्नम फंक्शन भी देख लेते हैं। लास्ट वन इज दिस सिग्नम फंक्शन। नाउ व्हाट इज सिग्नम फंक्शन, अब जो सिग्नम फंक्शन है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज एस जी एन ऑफ एक्स। अब इसकी दो ही वैल्यू से ये ओपन होता है, या तो मोड एक्स अपॉन एक्स से ओपन होगा या फिर जीरो होगा। मोड एक्स अपॉन ये एक्स कब वैल्यू लेता है, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड ये वैल्यू लेता है जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा, तो जीरो बाय जीरो को इसने डिफाइन करके क्या बोल दिया है, जीरो। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिग्नम ऑफ एक्स
को फिर से मैं अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो ये तीन वैल्यूज मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। x की ये वैल्यू 1 देगा, देखो x अपॉन x 1 हो जाएगा व्हेन x पॉजिटिव है, माइनस 1 हो जाएगा व्हेन x नेगेटिव है। माइनस 1 कैसे हुआ, क्योंकि x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मोड हटेगा तो माइनस बार आएगा, तो माइनस x अपॉन x विच इज़ माइनस 1, और 0 पे तो 0 उसने दिया वही है। तो अगर मैं इसका डोमेन बोलूँ आपको कि डोमेन बताओ इस फंक्शन का क्या होगा, तो डोमेन इक्वल्स टू यहाँ पे आर हो जाएगा, कुछ भी अपन यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। पर जो रेंज होगी इस फंक्शन की वो हो जाएगी, ओनली तीन वैल्यूज आ रही है, एक्स की कोई भी वैल्यूज पे बस आंसर हमेशा या तो इसका 1 हो सकता है या फिर माइनस 1 या फिर 0, बस ये तीन ही वैल्यूज पॉसिबल है, तीन ही इंटीजर्स आ रहे हैं आपके पास इन रेंज ऑफ द फंक्शन। तो आई होप ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो ग्राफ होता है इसका वो भी देख लेते हैं। ग्राफ जो है उसमें ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स की वैल्यू जब मैं पॉजिटिव सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ये है एक्स इक्वस टू, इसको कंसिडर करो, ये है वाई इक्वस टू 1 वाली लाइन और ये है वाई इक्वस टू माइनस 1 वाली लाइन, ठीक है, वाई इक्वस टू माइनस 1। जब x की वैल्यू मैं पॉजिटिव, देखो मैं इधर सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ कुछ भी, तो y का आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 इधर, ठीक है, तो ये आंसर हमेशा 1 आएगा। और अगर मैंने x की वैल्यू नेगेटिव में पुट करी तो आंसर हमेशा कितना आएगा, माइनस 1 इधर, ठीक है, और 0 पे क्या आएगा आंसर, 0, x इक्वल टू 0 पे 0। तो इस टाइप से कुछ ग्राफ होता है इसका। ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है कहीं पर भी, पर फिर भी आपको आना चाहिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। और अगर ऐसा हुआ, देखो एस जी एन ऑफ एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे एक्स था तो एक्स के लिए ऐसा हुआ, एस जी एन ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर है तो मोडलस ऑफ एक्स स्क्वायर, उसमें तो मोड लगाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा और 0 होगा व्हेन एक्स इज x नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज के लिए आंसर कितना होगा इसका, 1। तो अगर मैंने इसका डोमेन पूछ लिया तो डोमेन इस फंक्शन का r होगा, पर जो रेंज होगी तो रेंज इसमें ओनली 1 और 0, माइनस 1 कभी नहीं आएगा क्योंकि x स्क्वायर है। वो इस टाइप से भी पूछ सकता है कि सिग्नम ऑफ अब जैसे अगर इसका आपको ग्राफ भी पूछ लिया तो इसमें दोनों पे आंसर कितना आएगा, अपना 1 ही आएगा, मतलब इसका जो ग्राफ होगा ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये है वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन, ठीक है, 0 पे 0, ये वाई इक्वल टू 1 पे, ये 0 पे वैल्यू 0 हो रही है उसकी, पर पॉजिटिव वैल्यूज पे भी आंसर हमेशा 1 आ रहा है और नेगेटिव वैल्यूज पे भी आंसर हमेशा, इधर कुछ भी हो आंसर हमेशा y की वैल्यू 1 ही है, कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो आप, सभी के लिए y की वैल्यू 1 आ रही है। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, नीचे नहीं बनेगा, तो ये समझ आया होगा आपको। अगर उसने ऐसा दे दिया है क्वेश्चन में सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब इसको सॉल्व करने का अलग तरीका है, देखो अब इसमें भी 2 से 3 वैल्यू होगी, एक बार 1 होगी या फिर 0 होगी या फिर माइनस 1 होगी। 1 कब होगी, जब अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 होगा। 0 कब होगी, जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। माइनस 1 कब होगी, जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0 होगा, ठीक है ना। अगर ये नहीं पता चल रहा है तो मैं देखो, अगर ये आया तो सॉल्यूशन में मेरे को क्या देखना है, मेरे को ये देखना है एस जी एन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है। अब x की जगह क्या आ गया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की जगह बस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया है ना, तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 मोडलस अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो जब ऊपर वाली पॉजिटिव है, ऊपर वाली ये वाली जो न्यूमरेटर है, अगर ये पॉजिटिव है तो आंसर 1 आएगा, 0 है तो 0 पे 0 डिफाइन है, और जब ये माइनस 1 नेगेटिव है तो माइनस 1 आएगा, वही तो किया अपन ने यहाँ पे। अब ये आपको इंटरवल निकालना आना चाहिए, ये इंटरवल क्या है ना। अब देखो जो फर्स्ट वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब x प्लस 1 और x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 है ना, वेव कर मेथड अपन यूज करेंगे, माइनस 1 0 प्लस माइनस प्लस, तो ये बोल रहा है दिस आंसर, तो ये क्या बोल रहा है, मतलब यहाँ पे मैं इसकी जगह या तो ये लिख दो या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1
यूनियन वन से लेके इन्फाइनाइट, वो भी आंसर गलत नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्व टू जीरो का मतलब होता है एक्स इक्व टू प्लस माइनस वन पे वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में हो। इसका जस्ट अपोजिट वाला केस है, देखो इसका जस्ट लेस देन जीरो नेगेटिव वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट माइनस वन से लेके वन, जीरो नहीं होगा, ये वन वाला फैक्टर है। ठीक है, तो अभी ग्राफ भी देख लेते हैं। अगर इसका जो ग्राफ है तो देखो जो ग्राफ है अपने पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब माइनस ये है एक्स इक्वस टू माइनस वन, एक्स इक्वस टू वन, माइनस वन से वन के बीच में जो आंसर है अपने पास वो कितना आ रहा है, माइनस वन, वो आ रहा है आपके पास वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वन इधर। ठीक है ना, ये जो लाइन है थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको अपन सीधा कर देते हैं। दिस वाई एक्सिस, तो माइनस वन से वन के बीच में ये आंसर है। वन से बड़ा और माइनस वन से छोटे पे आंसर कितना है, वन, तो उस पर आंसर जो है ये वाई इक्व टू वन वाली लाइन सपोज करो ये वाली है, तो उसके पहले और दोनों तरफ उसके वन के बाद, तो ये वाला आंसर आएगा। तो जो ग्राफ होगा इसका, तो आपको पता चल गया ग्राफ जो है यहाँ यहीं से यहाँ तक ही होगा और जीरो पे वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, इस टाइप से है ना, इधर से भी इधर आ रहा है, इधर से भी इधर आ रहा है, और माइनस वन से वन के बीच में हमेशा आंसर कितना होगा अपना वाई इक्व टू, ये वाई इक्व टू माइनस वन वाली लाइन है और ये वाई इक्व टू वन वाली लाइन है। ठीक है, तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो अपन ने देख लिए हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर ऐसे वो बोल देगा, जैसे एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी, एस जी एन ऑफ SGN ऑफ डैश 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 SGN ऑफ x लिखा हुआ है इसने अंदर, है ना, जितने भी एंड ब्रैकेट हो, फोर हो, फाइव हो, जो भी हो, सभी का आंसर कितना होता है SGN ऑफ x। ठीक है, पूछा नहीं गया है पर कभी कभी पूछा जा सकता है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है इस बेस को, इस फंक्शन पे। तो आई होप ये जो सिग्नम फंक्शन है ये क्लियर हुआ होगा आपका। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका आउटपुट वैल्यू जो है उसके उसमें बस तीन पॉइंट्स ही होते हैं, है ना, वन माइनस वन और वन, जो बेसिक होता है उसमें। और जो वैल्यूज़ है वो अपने पास अगर चेंज करी अपन ने सिग्नम के अंदर वाली वैल्यूज़, तो अपना आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। तो ये था सिग्नम फंक्शन, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।